हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। और ये आज का जो मेकअप है, ये भी मेरा विदाउट मेकअप फेस है। और आज हम नो मेकअप लुक करेंगे, जिसमें बहुत ही लाइट मेकअप होगा। इसमें आपको कोई भी प्रॉपर जो है वो आई शेडोज और जो भी चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आएंगी। तो चलें, अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करते हैं रोज़ वाटर से, और उसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये चिल्ड जो है वो रोज़ वाटर लिया है। रोज़ वाटर जो है मैंने अपने फेस के ऊपर स्प्रे किया है। स्प्रे करने के बाद इसको थोड़ा सा जो है वो ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद इसको अपने पाम से जो है वो इस तरह से टैप करेंगे, ताकि आपकी स्किन में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी जो है वो बेस जो है वो बिल्कुल नेचुरल लुक दे। बिकॉज़ आज का नो मेकअप लुक है, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने आईब्रो की तरफ। आईब्रो में बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपनी आईबॉल को अपनी आईज की बेस मेक करनी है। क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक नंबर 36 से मैं अपनी आई की बेस जो है वो मेक कर रही हूँ। और आज की जो आईब्रो है वो थोड़ी मैसी हमें लुक देना है आईब्रो का, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम जो आईब्रो का जो ब्रश है वो अप्लाई करेंगे, ताकि हमारी बिल्कुल आईब्रो जो है वो फिक्स नज़र ना आए। थोड़ा सा मैसी शेड दें, थोड़ा सा नेचुरल लुक दें। चलिए, तो उसके बाद ही हमने अपने आईज़ के ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दिया है। देन हम आ जाएंगे आईब्रो किट पर। और आईब्रो किट ये मिस लारा की प्रोफेशनल किट ली है मैंने। इसमें से मैं ब्राउन शेड लूँगी, ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी और थोड़ा सा मैसी लुक दूँगी अपनी आईब्रो को। देन उसके बाद जो है वो हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा जो है वो नेचुरल लुक हो। ये बहुत ही आसान है, डेली मेकअप रूटीन है। आप किसी भी मतलब डेली मार्केट जा रहे हैं, या कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, ये आसानी से जो है वो मेकअप कर सकते हैं। इसमें जो है कोई भी पार्टी, ब्राइडल, किसी भी तरह का लुक नहीं है। आईब्रो मेक करने के बाद जो है हमने अपने साइड पर टेप अप्लाई करना है। ये इस तरह से टेप अप्लाई करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद ये मैंने जो है न्यूड की पैलेट ली है, इसमें से ये लाइट पिंक जो बेबी पिंक शेड है वो मैं अप्लाई करूँगी फिंगर से अपनी आई बॉल पर। हमें अपनी पूरी आई बॉल पर अप्लाई करना है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पिंक शेड जो है वो बहुत ही नेचुरल और सॉफ्ट शेड है। इसको मैंने नो मेकअप लुक में जो है वो यूज़ किया है। इस तरह से कॉर्नर पर भी अप्लाई करेंगे और पूरी आई बॉल पर फिंगर से इसको टैप कर देंगे। यही हमें जो है वो सेकंड आईब्रो पर करना है। उसके बाद ये 4 in 1 मिस रोज़ की पैलेट है, इसमें से मैं ये लाइट ब्लैक कलर है ये मैं अप्लाई करूँगी। इस तरह से हमने लाइनर वाले पोर्शन पे इसको स्ट्रेट लाइन में जो है वो ब्लेंड करके अप्लाई करना है। अच्छा, पूरी आई पर अप्लाई नहीं करना, सिर्फ हाफ आई पर अप्लाई करना है इसको लाइनर वाले पोर्शन में। इस तरह से स्ट्रेट लाइन में अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने टेप ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो हमारा लुक जो है वो लाइनर वाला शेप दे देगा। दोनों आई पर सेम प्रोसेस से अप्लाई करना है, और आपको इनर कॉर्नर पर जो है वो छोड़ देना है। उसके बाद वाटर लाइन पर भी ये शेड अप्लाई करना है, थोड़ा सा बाहर की तरफ। उसके बाद जो है हमने ये टेप को रिमूव कर देना है अपने। ये देखिए, टेप रिमूव करने के बाद हमने ये वाला जो है थोड़ा सा ग्लॉसी वाला शेड लेना है इसी आई शेडो पैलेट में से, और अपनी वाटर लाइन को जो है वो ब्लेंड करना है ब्लैक शेड के साथ। तो बिल्कुल सॉफ्ट आपका जो है वो लुक आ जाएगा वाटर लाइन पर। देन हम आ जाएंगे अपने बीबी क्रीम पर, और ये हमें बीबी क्रीम अप्लाई करनी है। ये थोड़ा सा जो है वो डार्क टोन में शेड है, मेरे स्किन के कॉम्प्लेक्स स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये डार्क है, तो मैं यही वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ। हमने मिस सॉरी रोज़ वाटर से जो है हमने अपने फेस को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया था। देन हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैप करेंगे। उसके बाद अपने फेस पर MLU मैटिफाइंग का नंबर 2 जो है वो फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद फिट मी का कंसीलर लूँगी मैं। कंसीलर हमें अंडर आई एरिया पर अप्लाई करना है इस तरह से। देन इसको ब्रश की हेल्प से जो है वो हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे अंडर आई एरिया, ताकि हमारा थोड़ा सा नीट एंड क्लीन जो है वो नज़र आए। उसके बाद हमने जो है वो उसको कॉम्पैक्ट पाउडर से या फिर लूज़ पाउडर से जो है वो उसको फिक्स कर लेना है, ताकि हमारी अंडर आई एरिया जो है वो थोड़ा सा शार्प हो जाए। देन हमने अंडर आई अपने काजल अप्लाई करना है। उसके बाद मस्कारा लेंगे फिट मी का। अच्छा, मस्कारा जो है वो आई लैशेज़ पर आज जो है वो थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में अप्लाई करना है, ताकि आपकी आई लैशेज़ पर जो है वो मस्कारा बिल्कुल प्रॉपर नज़र आए।
लोअर लैशेज एंड अपर लैशेज दोनों पर। मैं वैसे मस्कारा कम यूज़ करती हूँ बिकॉज आज का जो मेकअप है वो नो मेकअप लुक है, तो उसमें जो है मैं आज 3D एंड 5D लैशेज जब अप्लाई नहीं कर रही। अच्छा, ये जो है मेरे ही ब्रांड का जो है लिप एंड चीक टिंट है, ये मिंट फ्लेवर में है, तो आज मैं इसको अपने चीक बॉल पर अप्लाई करूँगी। ये बहुत ही लाइट शेड है, बहुत नेचुरल लुक देता है। इस तरह से इसको अपने फिंगर से ऐसे टैप करना है। अभी भी मैंने फिंगर में थोड़ा लाइट आया, तो थोड़ा सा मैं इस तरह से और लगाऊंगी। ये देखें, आपको चीक बोन पे अप्लाई करने के बाद इसी को आपने फिंगर से अपने टैप कर देना है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर यही अप्लाई करती हूँ। ये मुझे अपने फेस पर जो है काफ़ी ठंडा ठंडा चिल महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, क्योंकि ये जो है वो मिंट फ्लेवर है। और उसके बाद यही हमने लिप्स पे भी अप्लाई करना है। लिप्स जो है वो इससे काफ़ी सॉफ्ट एंड ग्लो हो जाते हैं। अगर आपको बाय करना हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। देन हमारा न्यू मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट है। ये स्कूल का और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिसेज में इजीली